ये कुछ पैसे हैं, कुछ 9,500 कल की दुकान की कमाई की। भड़काओ कहीं की। मैं तो ये पैसे कल अजमेर से लौटते तुझे देने वाला था, लेकिन जब हम वो हार लेने गए तो उसने बोला कि शाम को आ जाना इसको लेने के लिए। लेकिन फिर जब हम वहां से हार लेके निकल रहे थे तो लिफ्ट में थे कि लाइट चली गई और लिफ्ट के अंदर ही फंस गए। से फोन आया था बाबू, लेकिन वो जैसे ही हम अंधेरे में फोन निकाला तब तक फोन कट गया। और संजोग की बात देख के मोबाइल में पैसे भी नहीं थे। मैंने बहुत इंतजार किया कि आप लोगों का फोन आएगा, लेकिन मोहित दोबारा फोन कर, गलती से ना उठाया होगा उसने। नहीं, किसी को फोन लगाने की जरूरत ना है। मुझे पता है आप सबको रात भर हमारी चिंता रही होगी, इसके लिए माफी चाहता हूँ बाबू। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से और थोड़े आशीर्वाद से हम वहाँ से निकल गए। जब तो एक बंदे ने वहाँ पे हमें देखा और वो तुरंत एक मैकेनिक को बुला के लेके आया जिसने उस लिफ्ट को बाहर से खोल के हमें निकाला। और अगर मैं वक्त पे ना पहुँच पाता बाबू तो मुझे बहुत अफसोस होता कि मैं छवि के मायके की आखिरी राखी पे उससे राखी ना बंधवा पाया। और ये मेरी भाभी और बाबा सबका ही आशीर्वाद है जो ऐसा मेरे साथ कुछ गलत ना हो पाया। अरे छोटू, ये तो वही बात हुई ना जे धारे किताब में जे कल श्लोक पढ़ा था हमने, जिसकी रही भावना जैसी। ठीक है, जिसकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत तीनी देखी वैसे। हाँ, जिसकी जैसी भावना हुए वो भगवान ने भी वैसे ही देखे। शुद्ध भावना से देखने वाले को तो पत्थरों में भी भगवान दिखे हैं। पर जिसके मन में मैल हो गए है ना, उसे साक्षात भगवान भी दर्शन देवे तब भी नजर कुणी हम। जयी मतलब है ना छोटी श्लोक का? हाँ बाबा साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। मीना बीनी, इमली बीनी, चलो सबके लिए खाना परोसो। मीनाक्षी भाभी जल्दी करिए, बहुत तेज भूख लग रही है आज। अभी क्या खास बनाया तूने अपने भाइयों के लिए आज? भैया कुछ खास तो नहीं बनाया, मगर हाँ शगुन का हाथ लगा दिया था।
भाई बड़ी तेज भूख लग रही है। सूरज भैया चलो खाना खाते हैं, बड़ी तेज भूख लग रही है, आ जाओ। विक्रम सुना, वो अभी वैसे भूख भी नहीं है और जाना भी है। चलते हैं। ऐसे कैसे, बिना खाए पिए कैसे जा सकते हो तुम लोग? त्योहार का दिन है, खाना खा के जाओ। मैं जानू हूं बेटा, तुम दोनों ने रात भर कुछ खाया को नहीं, वो तो एफर्ट में अटके बैठे थे तुम लोग। अरे बहुत सजा रहे हैं। अरे बेटा सूरज भैया, खाने पीने के लिए क्या सोचना, बाबा साहब बोल रहा था। चल आजा बेटा, सामान हमारे पास दे दो, हाथ मुंह धोलो, आ जाओ। पेट भर के खाना खाएंगे, मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं लेकिन बाबू के हाथों का स्वाद अपने खाने में नहीं ला पाऊंगी। मेरा बनाया हुआ खाना तो खाने लायक भी नहीं होता। क्या होती हो मेरे को? बनाने का टेम ना मिला होगा ना थारे को? इसलिए मैंने तुम दोनों का खाना इस टिफिन में रख दिया है। ले बिन्नी, घर जाकर ना नहा धो के खा ली। ले अपनी बहन के वास्ते इतना कुछ किया है और दुकान का हिसाब भी दिया तो भाभो का मन पिघल जाएगा। पर भाभो, भाभो तो अपनी धुन की पक्की निकली। अब मारे को भरोसा हो गया कि भाभो 15 दिन तो क्या 15 साल भी वापस ना बुलाने वाली जेठ जी और जेठानी जी को। संतोष, हर बात में इतना कड़क रहना जरूरी है कि? त्योहार का दिन है आज, वो दोनों बच्चे खुद चलकर आए थे यहाँ पर। क्या होता अगर सब परिवार वाले साथ में खाना खाते? सुनो जी, वो जो काम के लिए आया था ना वो हो गया। और रही बात परिवार के साथ की, तो जे साथ तोड़ने का फैसला उसने खुद लिया था। टूटी हुई रस्सी से गांठ बांट कर खींचने से
पहले जैसा बलना हो वे। चलो सब लोग बैठ जाओ खाना खाने के लिए। बीनणी चतुरी खाना परोस दे सबने। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हमारा सारा परिवार फिर से एक डोर में बंद गया हो। वही भाई बहन के बीच में हंसी मजाक, वही एक साथ बैठकर खाने पर इंतजार। लेकिन अगले ही पल सब कुछ ऐसे खत्म हो गया जैसे कोई सपना देखा था। सूरज कि बाबू की ममता तुम्हारे परिवार का साथ हमारे लिए कहीं हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब सूरज जी 2 दिन बीत गए लेकिन बाबू की नाराजगी में कोई फर्क नहीं आया। अगर ऐसे ही रहा तो कहीं बाकी के दिन भी ऐसे सीधा बीत जाए। अब ते क्या सोचा, कैसे होगा सब कुछ? थी बोलिए दस मिनट से जीतने के लिए एक योजना बनाओ। ये मां बेटे के बीच की बात है। ये समझ लीजिए कि एक भगत और भगवान का रूल नॉर्म बनाना है। हम दोनों बाबू से इतना प्यार करते हैं, बाबू के प्रति हमारी श्रद्धा इतनी मजबूत है कि आज नहीं तो कल बाबू के दिल तक कब पहुंचेगी? मैं नहीं जानता कि बाबू के दिलो दिमाग की नाराजगी कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि एक ना एक दिन जरूर खत्म होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबू का बुलावा जरूर आएगा हमें। सूरज जी, बाबू की नाराजगी देखकर भी आप अपने विश्वास पर कायम है? संध्या जी, मैं कायम हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि विश्वास में बड़ी ताकत होती है और इसी विश्वास के चलते हमारी जिंदगी चलती है। मैं नहीं जानता कि अगले बचे हुए 13 दिन में कोई चमत्कार होगा कि नहीं, और ना ही मुझे अपने इस विश्वास पे कोई संकोच, कोई डर या कोई वहम है। बस इतना जानता हूं कि यह अटूट विश्वास भी मुझे अपने पापा से मिला है। नंदा जी, आपको पता है मेरी शादी से पहले बापू ने पूरे मोहल्ले में दावा किया था कि वो 15 दिन के अंदर अंदर मेरी शादी करेगी। जब कोई रास्ता सामने नहीं था, कोई लड़की भी नहीं देखी थी, कुछ सोच भी नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ बाबू का विश्वास था। और देखो,
आपों का विश्वास रंग लाया और मेरी शादी हुई आपसे। और आज आप मेरे साथ हैं। तब जाके मुझे महसूस हुआ कि विश्वास में बड़ी ताकत होती है। और आज उसी ताकत के भरोसे मैंने भाभू को 15 दिन का वादा किया है। अब कल इस चीज का परिणाम क्या होगा इसकी चिंता किए बगैर हम दोनों को सिर्फ और सिर्फ बहू और बेटे का फर्ज निभाते रहना है। आप चिंता ना करें संध्या जी, बाकी सब समय पे। को देने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, और अगर कुछ सोचता भी तो मेरी पॉकेट नहीं अलाउ कर रही थी। तुम तो जानती हो मेरी सैलरी कितनी है। एन मौके पे तुमने सब संभाल लिया। आज तुम्हारी वजह से छवि को इतना अच्छा तोहफा दे पाया हूं मैं, और घर में इज्जत भी बनी रही मेरी। तुम मदद नहीं करती तो पता नहीं मीना भाभी क्या क्या ताने देती। मोहित यकीन मानो मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि मैं तुम्हारी टेंशन कम कर सकूं, हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूं। आगे भी मैं ये कोशिश ईमानदारी से करूंगी। हर पत्नी की तरह मेरा भी फर्ज है कि मैं तुम्हें खुश रखूं, और मैं बस वही कर रही हूँ। एमिली, अगर तुम ऐसे ही अपना फर्ज निभाती रही तो मेरा भी वादा है तुमसे कि मैं भी अपना फर्ज अच्छे से निभाऊंगा। बेवकूफ बड़ी आसानी से बन जाती है। ये कैसे हो सकता है सूरज? आप तो भावों को जानते हैं, और फिर कोई वजह भी तो नहीं है भावों के यहाँ आने की। नहीं, मुझे नहीं लगता। वजह नहीं है तो वजह पैदा हो जाएगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है दस बजे से पहले भाभो इस घर में आएंगी, जरूर आएंगे।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।